नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्सल। इम्पेयरमेंट लॉस अब कर लिया, अब रिवर्स की करने की बारी। 1 अप्रैल 2001 की बात है, वेनस लिमिटेड एक्वायर्ड 100% ऑफ द सैटर्न लिमिटेड फॉर 4 लाख। द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट आइडेंटिफिएबल एसेट ऑफ द सैटर्न लिमिटेड इज 320 एंड द गुडविल वॉज 80। इसमें से 320 और 80 था। सैटर्न लिमिटेड इज इन द कोल माइनिंग बिजनेस, कोई बात नहीं है। 2003 की बात है, द गवर्नमेंट हैज कैंसिल द लाइसेंस गिवन इन द फ्यू स्टेट। देखो कहानी अभी तक ये है कि उन्होंने एक्वायर किया सैटर्न लिमिटेड को 4 लाख में, जिसमें से 3,20,000 एसेट्स थे और अदर एसेट और 80,000 गुडविल था एक कोल माइनिंग बिजनेस में। लेकिन कुछ जगहों पे गवर्नमेंट ने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। आगे देखते हैं कहानी कैसे बढ़ती है। एज अ रिजल्ट सैटर्न लिमिटेड रिवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू गेट रिड्यूस बाई 30%। अब जब लाइसेंस कैंसिल होने लगे तो उनकी रिवेन्यूज मानी गई कि 30% से रिड्यूस हो सकती है। द एडवर्स चेंज इन द मार्केट प्लेस एंड रेगुलेटरी कंडीशन इज द इंडिकेटर ऑफ द इम्पेयरमेंट। बिल्कुल, गवर्नमेंट के जो कुछ लॉस चेंज होते हैं तो वो बेसिकली एक इंडिकेटर्स रहते हैं कि आपका इम्पेयरमेंट हो सकता है। एज अ रिजल्ट वेनस लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द गुडविल। एज अ रिजल्ट वेनस लिमिटेड हैज टू एस्टिमेट। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आर ए निकालना पड़ेगा उसके गुडविल और नेट एसेट का जो 3,20,000 और 80,000 थे। इस डेट वेनस लिमिटेड यूजेस स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। द यूजफुल लाइफ ऑफ द सैटर्न लिमिटेड एसेट इज एस्टिमेटेड टू बी 20 ईयर्स विथ नो रेसिड्यूअल वैल्यू। ठीक है, SLM से डेप्रिशिएट करके आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। नो इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोस कैन बी जनरेटेड टू एनी इंडिविजुअल एसेट, सो द इंटायर ऑपरेशन ऑफ द सैटर्न लिमिटेड इज टू बी रिलेटेड टू द सीजीओ। पूरा का पूरा ऑपरेशन मतलब गुडविल एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ड्यू टू द रेगुलेटरी इनटेंजल इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सैटर्न लिमिटेड एज अ सीजीयू। उसकी फेयर वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल है। सो इट्स वैल्यू इन यूज एस्टिमेटेड टू बी 2,12,000। अब सपोज करो यहाँ पे जब निकालना मुश्किल है, नहीं निकाल सकते, तो क्या आप वैल्यू मतलब आप इसको इग्नोर कर सकते हैं? जी हाँ, आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप फेयर वैल्यू लेस सीटीडी हमेशा निकालो। हमने कुछ कंडीशंस आपको ये भी बताई जहां पे आपको नहीं निकालना पड़े, जहां पे पॉसिबल ही नहीं है निकाल पाना तो कैसे निकलेगा। फिर सपोज बाय 31 मार्च 2005, मतलब कि 2 साल बाद, द गवर्नमेंट रीइंस्टेट द लाइसेंस ऑफ द सैटर्न लिमिटेड, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट अ फेवरेबल चेंज इन द नेट कैश फ्लोज। जब फेवरेबल कंडीशन चेंज इन नेट कैश फ्लो आता है तो ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का एक इंडिकेटर है, अगर आपको याद हो तो। एक्सटर्नल, दिस इज एन इंडिकेटर दैट, हाँ लिखा भी है, दिस इज एन इंडिकेटर दैट एन इम्पेयरमेंट लॉस मे हैव रिवर्स्ड द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द सैटर्न लिमिटेड नेट एसेट एंड री एस्टिमेटेड। बिल्कुल, री एस्टिमेट किया गया और एक्सपेक्टेड टू बी 3,04,000 वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 2,90,000। नेट सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट फेयर वैल्यू लेस सीटीडी। समझ रहे हैं आप? तो कहानी कुछ ऐसी है, ये है सैटर्न, इसके कुछ इसको खरीद लिया गया, इसमें 3,20,000 के नेट एसेट थे और 80,000 की गुडविल थी इसकी। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और लाइसेंस को चेंज कर दिए। ठीक है, तो उसके बदले से क्या हुआ, इनको इम्पेयरमेंट लॉस चेक करना पड़ा, बिकॉज दैट इज अ इंडिकेटर। अब इम्पेयरमेंट लॉस चेक करने के लिए इनको दो चीज चाहिए, एक सीए और एक आरए। आरए में इनके पास सिर्फ एक डेटा है, वैल्यू इन यूज, सीए दिया हुआ आई बिलीव। सीए आपको निकालना पड़ेगा। सीए कैसे निकालेंगे, कॉस्ट जो है आपका लेस डेप्रिसिएशन, तो सीए निकल जाएगी। ठीक है, और आरए आपका निकला हुआ है 2,12,000 समथिंग, इन्होंने दिया हुआ है 2,12,500। डोंट कोट मी ऑन दैट, लेट मी चेक यार, 2,12,000 ये 500 नहीं, तो ये आरए दिया हुआ। अब आरए 2,12,000 है,
क्योंकि मैंने फेयर वैल्यू लेस सीटीडी को इग्नोर कर दिया बिकॉज वो ऑन उसको हम लोग निकाल नहीं सकते, मतलब कंडीशंस नहीं है फिर, तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट आपने चेक कर ली। अगर सी की वैल्यू आर ए से कम होगी तो फिर इम्पेयर्ड हो। फिर अगला कंडीशन आता है कि एक फेवरेबल चेंज आता है। अब जब फेवरेबल चेंज आ रहा है तो ये क्या है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का एक साइन है, अगर आपने प्रीवियसली इम्पेयर्ड कर रखा है तो। अब इसमें आपकी सीए तो आपको पता ही है, और उसके बाद आपको दो वैल्यू दी जाती है, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस सीटीडी। अब विच एवर इज हायर आपका आरए हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इम्पेयरमेंट कितना है, पहले से अगर कम होगा तो रिवर्सल हो जाएगा, अगर पहले से ज़्यादा होगा तो फेवरेबल कंडीशन में ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कम नहीं होगा ज़्यादा ही होगा। लेट्स सी आंसर, देखते हैं, ज्यादा कम मत करते, मैं क्वेश्चन को समझा रहा था। सॉल्यूशन, सिंस द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज नॉट डिटरमाइनेबल द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द सीजीयू, जैसे मैंने बोला था कि वैल्यू इन यूज को ही मान लिया जाएगा आर ए बिकॉज वो नॉट डिटरमाइनेबल है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ऑफ द सीजीयू एज ऑन 31 मार्च क्या होगा, इतना होगा, गुडविल 80 है, ये तो डेप्रिशिएट होगा नहीं, 3,20,030। एमोटाइजेशन का कोई डिटेल नहीं कि हम एमोटाइज कर दें, कैरिंग अमाउंट इतना 280, ठीक है, ये हो गया 4,32,000, डेप्रिशिएट हो गया 3,68,000, ठीक है, कितना हो गया 3,68,000, ये आपका कैरिंग अमाउंट हो गया, और रिकवरेबल अमाउंट आपका कितना है, 2,12,000 दिया हुआ है, तो टोटल इंपेयरमेंट लॉस आपको लगा 1,56 का चूना, जिसमें से हम लोग पहले क्या करते हैं, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बना के आप ऐसे सॉल्व करिए। सी आपको निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली 4 लाख माइनस हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2, ये कहाँ कितना आ जाएगा 368। आर ए आपका दिया हुआ है 2,12,000, तो टोटल इम्पेयर्ड कितना हो गया 156, तो ये आ गया इम्पेयरमेंट लॉस। अब इसको क्या करना है, एलोकेट, एलोकेट मतलब इसमें दो यूनिट हैं तो अब किसमें कितना जाएगा, तो पहले हम लोग एलोकेट करते हैं हमेशा गुडविल को, मानते हैं कि पूरा गुडविल में क्या होगा 80,000, तो 80,000 से गुडविल आपका खत्म हो गया। फिर दूसरी बात, 80 से जो रिमेनिंग बचा 76,000 वो नेट एसेट में इम्पेयर्ड होगा। ये पहले स्टेप की कहानी है, मतलब पहला इम्पेयरमेंट की। अब रिवर्सल की बात करेंगे, हमने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लिया, अब हमारे को एक इंडिकेटर दिया गया है, इंडिकेटर है कि फेवरेबल कंडीशन है, तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कैलकुलेट किया है, बट हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर उस फॉर्मूला से करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा, और वो फॉर्मूला क्या था कि रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस विल बी लोअर ऑफ फॉलोइंग, ए आर ए माइनस सी ए, सी ए ये वाला सी ए था विद इम्पेयरमेंट लॉस, और फिर बी सी ए इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस माइनस, आई एम सॉरी दिस इज सी इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस, और फिर माइनस सी ए विद इम्पेयरमेंट लॉस, अगर आपको याद हो फॉर्मूला तो, आर ए माइनस सी ए विथ इम्पेयरमेंट लॉस, और सी ए इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस, और सी ए विथ इम्पेयरमेंट लॉस, इन दोनों का जो लोअर होगा, अभी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आर ए कितना है, आर ए लोअर ऑफ द फॉलोइंग होता है,
वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस सीटीडी। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डेटा क्या है, 2,90,000 और 3,04,000 वैल्यू इन यूज, 3,04,000 और ये 2,90,000 फेयर वैल्यू लेस सीटीडी है। तो हमारा आर ए कितना हो गया, तीन लाख चार हजार और सी ए विथ इम्पेयरमेंट लॉस, मतलब जब इम्पेयरमेंट लॉस हमने पहले किया है उसके बाद अगर आज के डेट में कैलकुलेट करें, मतलब 31 मार्च 2005 को जब हम लोग पहले इम्पेयर किए थे तो 31/03/03 था, ठीक ना, 31 मार्च 2003 था, लेकिन अब जो रिवर्सल हो रही है वो 31 मार्च 2005 को हो रही है। तो उसके बाद ये रिवर्सल के बाद जो हमारा सी ए आएगा तो वो क्या होगा, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी आई बिलीव, हाँ ये रहा 2,12,000 हमारा वहां पे था कैरिंग अमाउंट, लेकिन 2 साल को डेप्रिशिएट करेंगे तो 1,88,000, तो ये आ गया 1,88,000, ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ कर दिया गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा आई बिलीव, बट ये राउंडिंग ऑफ करके 188 कर दिया है, 400-500 का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे लिखा है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1,000। तो ये आ गया आपका सी विथ इम्पेयरमेंट लॉस, ये आपका 1,88,000, तो इसका इक्वल टू कितना हो गया, माइनस करके निकाली, और सी इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस, जब कोई इम्पेयरमेंट लॉस ना हुआ हो, तो ये रहा 2,56,000 और सी ए विथ इम्पेयरमेंट लॉस ये तो आपको पता ही है 188। अब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर इम्पेयरमेंट लॉस, अभी कितना होगा ये 90, 12, 12, 4, 16 आई बिलीव 1,16,000 यस, और ये कितना हो गया 180, मतलब 12 plus 88 58 58 plus 10 68, हाँ तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग कितना हो गया 68, तो यहाँ पे इतना रिवर्स कर दिया जाएगा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिवर्सल। आइए देखते हैं, इजी है फॉर्मूला, मैं एक बार फिर से क्लियरली लिख देता हूँ, ए क्या है आर ए जो अभी करेंट का है और एक सी ए कैरिंग अमाउंट विथ इम्पेयरमेंट लॉस और बी सी ए इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस माइनस सी ए विद इम्पेयरमेंट लॉस। अब इन दोनों में से जो लोअर आएगा विच अब इज लोअर विल बी योर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, तो यहाँ पे भी वही किया होगा, इतना कहानी लिख के हमने सीधा फॉर्मूला से डायरेक्ट कर दिया। ये वैल्यू तो दोनों आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 बना के, कि जब नो इम्पेयरमेंट लॉस है और जब इम्पेयरमेंट लॉस है तो क्या है कैरिंग अमाउंट, ठीक है, ये रहा इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल विल बी 68,000 और उसके बाद आपका क्या होगा फिर से रिवाइज डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और रिवाइज डेप्रिसिएशन क्या होगा आपका जी परफेक्ट। चलिए ये कैसे हुआ 256 कैसे हुआ आपका क्वेरी ये हो सकता है, देखिए पहले हमारा रिवाइज्ड वैल्यू क्या था 188, जब इसमें रिवर्सल होगा तो इसमें से ऐड हो जाएगा 68, तो ये वैल्यू आ जाएगी 256, तो कैरिंग अमाउंट अपना ये हो जाएगा आज के डेट में और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 256 डिवाइडेड बाई 16 और एज द केस में भी। आगे चलते हैं, कहाँ है भाई, इधर रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एन एसेट फाइंड आउट इंपेयरमेंट लॉस एंड इट्स ट्रीटमेंट, क्या होगा इंपेयरमेंट लॉस और उसका ट्रीटमेंट, करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, पहली बात तो इंपेयरमेंट लॉस निकालना है,
कॉस्ट ऑफ द एसेट इतना है, यूजफुल लाइफ इतना है, सैलवेज वैल्यू नील, तो यहाँ से आपको कैरिंग अमाउंट निकल जाएगा। कैरिंग वैल्यू भी दिया हुआ है एट द बिगनिंग, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी दिया हुआ है कि अभी बचा कितना है, रिकवरेबल अमाउंट भी दे दिया गया है, अपवर्ड इवैल्यूएशन डन इन द ईयर। तो चलिए आंसर भी देख लेते हैं फटाफट। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, कैरिंग और रिकवरेबल। तो कैरिंग वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 27.30 और आर ए रिकवरेबल कितना हो गया, रिकवरेबल अमाउंट भी दिया हुआ है सीधा सीधा 15.3। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जी आप पहली बार देख रहे हो कि भाई इसको अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करें। तो एज पर इंडियस 36 इंपेयरमेंट लॉस वेदर ऑफ एन इंडिविजुअल और सीजीओ इज रिकॉग्नाइज इन द फॉलोइंग मैनर में ट्रीटमेंट होता है, इंपेयरमेंट लॉस ऑफ रिवैल्यूड एसेट और इंपेयरमेंट लॉस ऑफ द अदर एसेट। इसमें दो चीज़ है, एक रिवैल्यूड है, इट इज रिकॉग्नाइज इन द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टू द एक्सटेंट दैट द रिवैल्यूएशन डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस। देखो इसमें दो वैल्यू दिया हुआ है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन डन इन द लास्ट ईयर, इसमें मतलब एक अपवर्ड रिवैल्यूएशन का भी पॉइंट इंक्लूडेड है। सॉरी, अपवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है, तो जो भी इंपेयरमेंट लॉस इस बार आया तो उसको पहले इससे एडजस्ट करेंगे और बाकी का जो एसेट है अदर एसेट इंपेयरमेंट लॉ एनी अदर शुड बी रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस इन द पीएल और उसको पीएल में चार्ज कर दे। सिंस द एसेट इज क्वेश्चन हैज बीन रिवैल्यूड अपवर्ड, बोला ना मैंने कि पहले से रिवैल्यूड अपवर्ड हो गया, द इंपेयरमेंट लॉस विल बी एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट द रिवैल्यूएशन सरप्लस, 14 लाख का जो रिवर्स है उससे एडजस्ट होगा एंड द बैलेंस 1.3 विल बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीएल। तो सिंपल द ट्रीटमेंट है, ये भी हम लोग बात किए थे पहले कि ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो पहले उससे एडजस्ट करेंगे और बैलेंसिंग फिगर विल बी योर एक्सपेंस विल बी चार्ज एज एन एक्सपेंस इन द, और इस केस में क्या है 15.3 लाख इज योर इम्पेयरमेंट लॉस, तो 14 विल बी सेट ऑफ विद द रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड 1.3 विल बी चार्ज एन एक्सपेंस। क्लियर। अब करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी पूछा था कि भाई रिवाइज जितना है तो 3 साल रिमेनिंग लाइफ बचा और एनुअल डेप्रिसिएशन 4, तो रिवाइज हो गया आपका डेप्रिसिएशन भी, ये इजी है। ये रहा करंट ईयर डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो 3 साल की लाइफ बची हुई है, डेटा दिया हुआ उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 3, नो सैलवेज वैल्यू। आगे चलते हैं, कभी कभी क्लिक नहीं होता। इलस्ट्रेशन नंबर 15, वेनस लिमिटेड हैज एन एसेट विच इज कैरिड इन द बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 2001, ठीक है 500 लाख का वैल्यू यूज दिया हुआ है, फेयर वैल्यू भी दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है इंपेयरमेंट लॉस, तो इसमें कोई तीर थोड़ी ना मारना है, दो वैल्यू हमें चाहिए सी ए और आर ए, निकल जाएगा इंपेयरमेंट लॉस। वैल्यू यूज रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज हायर, तो रिकवरेबल अमाउंट इतना हो गया, कैरिंग अमाउंट इतना दिया हुआ है, तो इंपेयरमेंट लॉस 100, तो इतना नोटंकी क्यों करके रखे हो, सिंपली यहाँ पे लिख दो स्टेप 1 स्टेप 2, आई एम सॉरी क्या हो गया इसको यार। देखिए यहाँ पे आर ए क्या होगा, आर ए वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू का हायर होगा, तो यहाँ पे हायर कौन है 4 लाख में से 375 4 लाख, और अपना इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला क्या है सी माइनस आर ए, तो बस 500 माइनस 400 इज दिस। आगे बढ़ते हैं, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस, इजी है, सीधा एसेट से चार्ज कर दिए इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट को रिड्यूस कर दिए, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू पीएनएल और पीएल में उसको चार्ज कर दिए, बात खत्म। एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो गया, इम्पेयर्ड हो गया, और पीएल में चार्ज हो गया, और कुछ पूछा था तीसरा, सो हाउ इम्पेयरमेंट लॉस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, इम्पेयरमेंट लॉस बैलेंस शीट में क्यों जाएगा,
According to impairment loss should be recognized an expense in the statement of profit and loss immediately unless the asset is carried at revalued amount in accordance with another accounting standard. Assuming that the asset is not carried at revalued amount, the impairment loss will be charged in the PL. तो भाई बैलेंस शीट में नहीं जाएगा और PL में चार्ज हो जाएगा. तो यहाँ पे वो भी आंसर दिया हुआ है. इंड एज 16 क्या बोलता है? A publisher owns 150 magazines. Wow. Titles of his 70 were purchased and 80 were self-created. अच्छी बात है. मतलब टाइटल मतलब नाम होल्ड करता है. पेटेंट बोल लो जी. The prices paid for the magazine title is recognized and is intangible asset. The cost of the creating magazine title and maintaining the existing title are recognized as an expense when incurred. ठीक है. Cash inflows from direct sales and advertising are identifiable for each magazine. वो भी अच्छी बात है. Identifiable. Titles are managed by the customer segment. कोई मैनेज करता हो. The label of the advertising income for magazine title depends on the range of the titles in the customer segment to which the. अच्छा ठीक है. कहानी ये भी अच्छी है. Management has a policy to abandon old titles before the end of the year economic life and replace them immediately with the new title for the same customer segment. अच्छा पुराने को replace करके नया भी ला देते हैं. What is the cash generating unit for an individual? आप यहाँ से पूछा गया कि CGU क्या है? It is likely that the recoverable amount of an individual magazine title can be accessed. यहाँ पे साफ देखा जा रहा है कि recoverable amount आप measure कर पा रहे हो एक unit का. Even though the label of advertising income for the title is influenced to the certain extent by the other title in the customer segment. बोला customer segment में ये भी देखा जा रहा है कि ये एक title दूसरे से भी influence हो रहा है. So cash inflow from direct sale of the advertising are identifiable for each title. फिर भी क्या है कि cash inflow आप identify कर पा रहे हो. तो पहली बात तो ये क्या है? Identifiable और cash inflow generate कर पा रहा है. तो in addition, although titles are managed by the customer segment, decision to abandon titles are made on an individual title basis. और अगर उसको हटाना और घटाना तो individual basis पे किया जाता है. तो therefore, it is likely that the individual magazine title generate cash flows that are largely independent of each and other magazine that title is separate magazine. कहने का मतलब ये है CGU का अगर आपको रूल याद हो मतलब क्या होता है. मतलब अगर सेपरेट हो सकता है अगर वो इंडिपेंडेंट हो आइडेंटिफिएबल हो और कैपेबल फॉर जनरेटिंग कैश इनफ्लोस. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इनके पास 150 है ठीक है जिसमें 70 इनका 50 खरीदा हुआ. कोई बात नहीं इनके पास है. तो क्या ईच टाइटल अलग अलग एक यूनिट है? आंसर इज यस बिकॉज हर एक इंडिपेंडेंट है आइडेंटिफिएबल मतलब कैपेबल फॉर सेल. उसको बेच भी सकते हैं आप और इंडिपेंडेंट तो है ही मतलब अकेले वो जनरेट कर पा रहा है. हर मैगजीन अलग अलग बिकती है तो हर मैगजीन का टाइटल होता है. जैसे इंडिया टूडे की मैगजीन आती है तो उसका एक टाइटल है. कैपेबल फॉर जनरेटिंग कैश इनफ्लोज हाँ अलग अलग जनरेट भी कर पा रहे. तो हर यूनिट दैट ईच मैगजीन टाइटल इज अ सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट. तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है इसलिए वो सेपरेट सेपरेट माना जाएगा ईच. नाउ कम्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 17. अ माइनिंग एंटिटी ओन्स अ प्राइवेट रेलवे टू सपोर्ट. द प्राइवेट रेलवे कुड बी सोल्ड ओनली फॉर द स्क्रैप एंड डज नॉट जनरेट कैश इनफ्लोज एंड दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इनफ्लोज वेदर द. ये हम लोग कर चुके हैं गेस. सो द माइन एज अ होल मतलब ये कहने का मतलब है कि एक प्राइवेट रेलवे सपोर्ट के लिए रखते हैं तो क्या वो माना जाएगा कि वो CGU है? जी नहीं पूरे माइन को CGU मानना पड़ेगा क्योंकि वो अकेले ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया हुआ था इसलिए मैं फिर से नहीं कर रहा हूँ. रिपीटेटिव क्वेश्चन है फिर भी आप समझ मैंने बता दिया कि अब प्राइवेट एक रेलवे है इनके पास जो कि ये यूज करते हैं वो मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती. वो इंडिपेंडेंट तो है बट वो कैश इनफ्लो जनरेट नहीं कर पाती. मतलब अकेले अगर वो देखा जाए तो कैश इनफ्लो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द मतलब रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा वैल्यू इन यूज नहीं हम डिटरमाइन कर पाएंगे बिकॉज उनसे क्या कैश इनफ्लोज होगा वो हमें पता नहीं.
तो एज एन एंटिटी माना जाएगा। ये भी हमने कर लिया है, ये रिपीट क्वेश्चन क्यों हो रहा है? पूरे बस को माना जाएगा एज अ होल, मतलब इसमें कंडीशन क्या है कि पांच रूट पे बस चलानी है आपको, ठीक है, तो एक में लॉस चल रहा है, तो क्या सबको अलग अलग आप कैश जनरेटिंग यूनिट मानोगे? जी आंसर है नहीं, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी आपको बोलती है जब कॉन्ट्रैक्ट दी है तो पांचों रूट पे अलग अलग चलाने के लिए बोला, एक पे ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक पे नहीं चलाओगे, मतलब एक अकेला रूट आपको इन्फ्लो नहीं दे रहा है, पूरा मिला के आपको इन्फ्लो दे रहा है, तो हर इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिएबल, तो दोनों इंडिपेंडेंट भी आइडेंटिफिएबल है, बट दीज आर नॉट इंडिपेंडेंटली कैश इन्फ्लो जनरेट कर पाए, पांचों रूट पे चलाओगे तभी कैश इन्फ्लो मिलेगा, नहीं तो फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट गया। अ सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल यूज फॉर प्लांट वाइज फाइनल प्रोडक्शन इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ब्रॉट बॉट प्लांट एक्स ऑफ द सेम यूनिटी, एक्स प्रोडक्ट आर सोल्ड टू वाई एट अ ट्रांसफर प्राइस दैट पासेस ऑल मार्जिन टू द, ये क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ये रिपीटेटिव नहीं है इसलिए मैंने बोला। अ सिग्निफिकेंट रॉ मटेरियल यूज बाई द प्लांट वाई फाइनल प्रोडक्शन इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ब्रॉट फ्रॉम प्लांट एक्स ऑफ द सेम एंटिटी, प्लांट वाई है, ठीक है, वो प्लांट एक्स से, मतलब अपने ही एंटिटी के एक प्लांट एक्स से एक रॉ मटेरियल लाती है और फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, एक्स प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टू वाई, एक्स का प्रोडक्ट वाई को बेचा जाता है ट्रांसफर प्राइस पे दैट पासेज ऑल मार्जिन टू एक्स, जिससे सारा मार्जिन एक्स को मिलता है, 80% ऑफ द वाइज फाइनल प्रोडक्शन इज सोल्ड टू द कस्टमर आउटसाइड ऑफ द एंटिटी, और 80% जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो माल बाहर बिकता है, 60% ऑफ द एक्स फाइनल प्रोडक्शन इज सोल्ड टू वाई एंड रिमेनिंग 40% इज सोल्ड टू द कस्टमर आउटसाइड द एंटिटी, जबकि एक्स के केस में क्या है, वो अपना जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको वाई को बेचता है 60% और 40% आउटसाइड कस्टमर्स को। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस व्हाट आर द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर एक्स एंड वाई, कैश एंड जनरेटिंग यूनिट क्या होगा फॉर एक्स एंड वाई, क्या ये कंबाइंड होंगे या फिर अलग अलग होंगे? दो कंडीशन है, पहला If X could, I'm sorry, answer me. If X could sell the product, product itself, if X could sell the product, it sells to Y to an active market. अब ये कंडीशन ये है कि जो हम Y को बेचते हैं, X के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए कि X 60% Y को बेचता है, अगर वो कैपेबल है कि वो एक्टिव मार्केट में बेच सकता है, एंड इंटरनल ट्रांसफर प्राइसेज आर हायर देन द मार्केट प्राइस, और इंटरनल प्राइस ट्रांसफर प्राइस जिसमें यहाँ पे कम पे बेचता है मार्केट में और ज़्यादा दाम मिलेगा, व्हाट आर द, अब इस कंडीशन में क्या होगा? कंडीशन समझ में आ गई कि एक्स अपना जो माल वाई को देता है अगर वो मार्केट में बेचे वहाँ पे मार्केट में अच्छा रेट भी मिलेगा तो उस केस में क्या होगा? सीज यू कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ एक्स, अगर एक्स कुड सेल इट्स प्रोडक्ट इन एक्टिव मार्केट एंड शो जनरेट कैश फ्लो दैट वुड बी लार्जली इंडिपेंडेंट फॉर कैश इनफ्लो फ्रॉम वाई, देयरफॉर इट इज लाइकली दैट एक्स इज अ सेपरेट, तो उस केस में एक्स अलग होगा और वाई अलग होगा। कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर वाई, मतलब एक्स का केस में बोला कि जब ऐसा होगा तो अलग होगा, इट इज लाइकली दैट वाई इज ऑल्सो सेपरेट जनरेटिंग यूनिट, तो 80% कस्टमर आउटसाइड, देयरफॉर अब पहले केस में दोनों अलग अलग सीजीयू हो गए, क्यों हो गए? देखिए पहले केस में क्या है, एक्स अगर आउटसाइड अपने माल बेच सकता है दैट मीन्स इट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश इनफ्लोज इंडिपेंडेंटली अपने खुद के दम पे, और आइडेंटिफिएबल भी है और इन्फ्लो भी जनरेट कर पा रहा है। सेम केस वाई है, वाई तो खुद 80% बाहर बेचता है तो ये भी कैश इनफ्लो जनरेट कर पाएगा, इंडिपेंडेंट और आइडेंटिफिएबल तो है ही। फिर इफ देर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एक्स सेल्स टू वाई, अगर इफ देर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एक्स जो वाई को बेचता है, व्हाट आर द, अब उस केस में क्या होगा? जब एक्टिव मार्केट नहीं रहेगा तो क्या होगा उस केस में? वाई का तो मेरे को नहीं लगता कुछ होगा, इट इज लाइकली दैट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ कैश प्लांट कैन नॉट बी एक्सेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्लांट, बिकॉज अब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है बिकॉज वो बाहर नहीं बेच सकता, तो दोनों लोग मिल के प्रॉफिट कमा रहा है, एक्स वाई को बेच रहा है फिर वाई बाहर बेच रहा है। सो द मेजोरिटी ऑफ एक्स प्रोडक्शन इज यूज इंटरनली एंड कुड नॉट सोल्ड इन एक्टिव मार्केट, सो द कैश इनफ्लोज ऑफ द कैश डिपेंडेंट ऑन द वाई, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा,
कैश इनफ्लो, देयर फॉर एक्स, मतलब वो अकेले कैश इनफ्लो जनरेट नहीं कर पाएगा, देयर फॉर एक्स कैन नॉट बी कंसिडर एज टू जनरेट द कैश इनफ्लोज एंड दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ दोज ऑफ वाई. तो कैश एक्स क्या होगा, अकेले और जनरेट नहीं कर पाए. द टू प्लांट्स आर मैनेज टुगेदर, तो दोनों प्लांट एक साथ मैनेज किए जा रहे हैं. सो एज अ कंसिक्वेंस इट इज लाइकली दैट एक्स एंड वाई आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट जनरेट. अब यहां पे सीजी इन दोनों का होगा मिला के, समझ रहे कहानी. यहां पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सीजी यू. अर्लियर एक्स इज द सीजी यू एंड वाई इज द सीजी यू, बट यहां पे एक्स प्लस वाई बोथ आर कंबाइंडली स्मॉल ग्रुप दैट जनरेट, बिकॉज एक के बिना दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा. एक इफेक्ट यहाँ पे बताया कि इफेक्ट ऑफ द इंटरनल ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर प्राइस डू नॉट रिफ्लेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ एक्स आउटपुट, देयरफॉर इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू इन यूज बोथ एक्स एंड वाई द एंटिटी एडजस्ट फाइनेंशियल बजट फोरकास्ट टू रिफ्लेक्ट द मैनेजमेंट बेस्ड एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर. ये क्या पूछा, कुछ और बताता अपने इंस्टीट्यूट कुछ है. तो ऊपर का ये ए और बी आप कैश जनरेटिंग यूनिट ले सकते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. कितना है 25. फिर टेस्ट और नॉलेज भी 10 है. एक्स लिमिटेड प्रोड्यूसर्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड ओन्स प्लांट 1, 2, 3. ईच प्लांट इज लोकेटेड इन अ डिफरेंट कंट्री. प्लांट 1 प्रोड्यूसर्स अ कंपोनेंट दैट इज असेंबल्ड इन अदर प्लांट 1, मतलब प्लांट 1, 2, 3 है जिसमें से प्लांट 1 एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो असेंबल होता है प्लांट 2 और 3 में. द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट 2 एंड प्लांट 3 इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज, मतलब फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है. एक्स वाई जेड लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम द प्लांट 2 और 3. प्लांट 2's प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड इन प्लांट 3's कंट्रीज इफ द प्रोडक्ट्स कैन बी डिलीवर्ड फास्टेस्ट फ्रॉम द प्लांट 2 देन प्लांट 3. अब बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड लिमिटेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम एदर प्लांट 2 और प्लांट 3, मतलब दोनों में से बेची जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट 2's प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड इन प्लांट 3's कंट्रीज, मतलब प्लांट 2 के प्रोडक्शन के गुड्स को हम प्लांट 3 जहाँ है उसकी कंट्री में भी बेच सकते हैं. If the products can be delivered faster from plant 2 than the plant 3. ठीक है. The utilization level of plant 2 and plant 3 depend on the allocation of the sales between the two sites. If there is no active market for the plant A's product, what are the cash generating unit? देखो भाई कहानी कुछ ऐसी है. तीन चार तो प्लांट आपको समझा दिया. प्लांट 1, 2, 3 ये अलग अलग कंट्री में है, ये भी अलग कंट्री में है. ये बनाए रॉ मटेरियल सप्लाई इनको भी इनको भी, ये भी प्रोडक्ट बनाए फिनिश प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट बना रहे और ये दोनों बेच रहे हैं. ठीक है, चलिए. मतलब यहाँ से यहाँ पे भी जाके बिकता है और यहाँ से यहाँ पे भी आके बेच सकता है. इट इज़ लाइकली दैट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ईच प्लांट कैन नॉट बी एक्सेस इंडिपेंडेंटली. रिकवरेबल अमाउंट ईच प्लांट का इंडिपेंडेंटली नहीं है, सारा एक दूसरे से रिलेटेड है. बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में. देयर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर प्लांट एज प्रोडक्ट. प्लांट ए के पास तो एक्टिव मार्केट नहीं है, सारा माल इन्हीं दोनों लोग को देना पड़ेगा, तो ये कैश इनफ्लोज जनरेट नहीं कर पाएगा पहली बात. देयरफॉर प्लांट एज कैश इनफ्लो डिपेंड ऑन द सेल ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द, तो इनके ऊपर डिपेंड है, तो इसकी इंडिपेंडेंसी गई. ऑल्दो देयर इज अ एक्टिव मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स प्लांट 2 और प्लांट 3 के लिए एक्टिव मार्केट दिया हुआ है. कैश इनफ्लोज फॉर प्लांट 2 प्लांट 3 डिपेंड ऑन द एलोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट अक्रॉस द टू सेल. अब ये प्रोडक्शन ये डिपेंड करता है कि इनको कितना एलोकेट हुआ सेल, उतना बनाते हैं और उतना बेचते हैं, मतलब रॉ मटेरियल जितना सप्लाई होता है उतना. इट इज अनलाइकली दैट द फ्यूचर कैश इनफ्लोज फॉर द प्लांट कैन बी डिटरमाइंड इंडिविजुअली. सो यहाँ पे उनकी फ्यूचर इन्फ्लोज डिटरमाइन हो सकती. सो एज अ कंसीक्वेंसेस इट इज लाइकली दैट द प्लांट ए प्लांट 2 प्लांट 3 टुगेदर एक्स वाई जेड लिमिटेड एज अ होल आर द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ द एसेट दैट जनरेट कैश इन्फ्लोज दैट आर लार्जली इंडिपेंडेंट. कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई तुम्हारे बिना न ये रह सकते हैं न तुम्हारे बिना ये, तो तीनों मिला के. अब देखो ये जब तक रॉ मटेरियल नहीं देगा
तब तक ये लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इनकी इंडिपेंडेंसी नहीं है, इनको रॉ मटेरियल यहीं से मिलेगा तभी ये लोग काम करेंगे। तो तीन कंडीशन होती है, इंडिपेंडेंट, आइडेंटिफिएबल और कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो इंडिपेंडेंटली। तो तीनों कंडीशन ये तीनों मिला के फुलफिल कर रहे हैं, तो ये पूरा एज अ होल इज अ सीजीओ। नाउ ये क्वेश्चन किया हुआ तो रिपीट क्वेश्चन है जिसमें माइंड में रीलोकेशन की बात होती है, बाद में 1212 से माइनस कर देते, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ, तो इसको रिपीट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। द एंटिटी सेल्स फॉर ₹1200 करोड़ एंड ऑपरेशन, ये भी दिया हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 400 करते हैं अपने, याद हो अगर आपको तो। गुडविल हैड प्रीवियसली शोल्ड ABCD वाला, ये भी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, इसीलिए 25 बना दिया क्या, एक क्वेश्चन को दो बार रिपीट किए भाई साहब। ये देखते हैं, एक्सवाइजर लिमिटेड हैज अ कैश जनरेटिंग यूनिट, प्लांट ए हैविंग कैरिंग अमाउंट इतना, प्लांट ए वॉज रिक्वायर्ड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन, ओके, अक्वायर हुआ बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू, उसमें गुडविल भी 200 करोड़ की थी, तो 800 और 200, इट इज डेप्रिशिएट होता इतना, यूजफुल लाइफ 10 साल, रेसिडुअल वैल्यू नहीं, 600 की रिकवरेबल अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना, हिस्टोरिकल कॉस्ट आपको पता ही है कितनी है, ये गुडविल 1000 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट ए वॉज अक्वायर्ड अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड अ गुडविल 200 वॉज एलोकेटेड टू इट, 1000 का एसेट अक्वायर हुआ और 200 मतलब उसमें गुडविल एलोकेट कर दी गई, तो टोटल 1200 का एसेट हो गया, डेप्रिशिएट कर दिए 10 साल के हिसाब से, तो 1000 डिवाइडेड बाई 10, गुडविल को तो डेप्रिशिएट करेंगे नहीं, तो 100 का डेप्रिशिएट हो गया, तो 1100 की इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई CA। सिंस द रिकवरेबल अमाउंट 600, सो देर इज एन इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 500, 600 का था तो इंपेयरमेंट लॉस 500 का था, उसमें से गुडविल में सीधा 200 चला जाएगा, लिखा हुआ अदर 200 करोड़ गुडविल में चला गया और 300 करोड़ आइडेंटिफिएबल एसेट, इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ, आपका CA कितना है, 1200 का एसेट था आपके पास, जिसमें से डेप्रिशिएट होगा 1000 डिवाइडेड बाई 10, एक साल के लिए दैट इज 100, तो ये आ गया 1100, ये CA हो गया, आर ए दिया हुआ 600, तो टोटल 500 हो गया, अब इसमें से एलोकेट करेंगे तो 200 पहले गुडविल से एलोकेट होगा और 300 आपके बात करते हैं, ऑल क्लियर, यस, हाउ इज द जोस नाउ, ओके, नाउ द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके बाद आएगा टेस्ट और नॉलेज, तो ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट। सन लिमिटेड इज एन एंटिटी विद वेरियस सब्सिडियरी, थैंक यू, मतलब कॉन्ग्रेट्स सन लिमिटेड, द एंटिटी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट एवरी ईयर एंड, कोई दिक्कत नहीं, ऑन 1st July 2001 सन लिमिटेड अक्वायर करती है 80% इंटरेस्ट इन प्लूटो लिमिटेड, डिटेल्स ऑफ द एक्विजिशन वर एज फॉलोज, प्लूटो लिमिटेड को अक्वायर किया, सन लिमिटेड ने अक्वायर किया 800,000 शेयर्स, प्लूटो लिमिटेड में 800,000 शेयर्स इन्होंने खरीद लिया, इशूइंग 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 एक्वायर्ड, द फेयर वैल्यू ऑफ द सन लिमिटेड 1st July वॉज 4 पर शेयर एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लूटोज वॉज 1.4 पर शेयर, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द इशू वॉज ₹5%, इन्होंने कैसे एक्वायर किया, बाई इशूइंग 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 एक्वायर्ड, मतलब 5 के बदले 2 शेयर दिए और उनके शेयर का दाम था ₹4, जिसको खरीदा उसका दाम था 1.4, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन अगर आपको याद हो, अमलगमेशन, तो आपको पिक्चर क्लियर, सन लिमिटेड इंकर्ड फर्दर लीगल 100,000 और खर्चा हुआ, ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ फॉर द आइडेंटिफिएबल नेट एसेट इनके पास जो था 1.3 मिलियन था, सन लिमिटेड इनिशियली मेजर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द प्लूटो एट द फेयर वैल्यू, दे यूज द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लूटो लिमिटेड शेयर्स फॉर दिस पर्पज, नो इंपेयरमेंट ऑफ द गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन, ठीक ठीक ठीक, प्लूटो लिमिटेड कंप्राइजेस 3 CGO उनके पास थे, कोई दिक्कत नहीं है, और ओके, वॉज अक्वायर्ड विद द डायरेक्टर्स ऑफ द सन लिमिटेड, एस्टिमेटेड दैट द
Pluto Limited comprises three CGUs, ABC. When Pluto Limited was acquired, the director of the Sun Limited estimated that the goodwill arising on the acquisition could reasonably be allocated to the unit ABC on a ratio. उनके पास तीन CGU थे, तो जो हमारे directors थे Pluto Limited के, उन्होंने बोला इस हम अपने goodwill को 2:2:1 के ratio में उसमें allocate कर देंगे. The carrying value of the asset in these case generating cash generating units and the recoverable amounts are as follow. इनकी carrying value ये है, recoverable amount as are as follows दी गई है before goodwill allocation. Are you getting my point? Okay. Now, compute the carrying value of the goodwill arising on acquisition of the Pluto Limited in consolidated balance sheet of Sun Limited. हमें क्या करना है? Calculate करना है carrying value of the goodwill arising in the acquisition. Okay. Following the impairment review, impairment के बाद. Compute the impairment loss arising as a result of the impairment review और उसके बाद जो impairment आया उसका identify how much of this loss would be allocated to the non-controlling interest in the Pluto. Non-controlling interest in the Pluto में कितना adjust होगा? तो चलिए solve करते अपने question. Question I hope आपको समझ में आ गया होगा. Solution. Computation of the goodwill on acquisition. हमने खरीदा कितना था? हमने 80% दे के सारा चीज खरीद लिया था, तो 80% दिया था उसमें मेरा 80% में 8 लाख शेयर जो हमने पे किया 2:5 का रेशियो में और 4 रुपीस के हिसाब से, तो इतना आ गया. ठीक है. और फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब कि हमने अक्वायर तो 100% किया, ठीक है, पे किया सिर्फ 80%, तो हमें एक्स्ट्रा क्या मिला? 20%. तो हमने उसे उसके 80% ऑफ द शेयर्स खरीदे, दैट इज 8 लाख, और हमें उसका पूरा हक मिल गया, मतलब पूरी तरीके से हम लोग इसको अक्वायर कर लिए, मतलब 200 जो मतलब 2 लाख जो और भी शेयर्स थे वो भी हमारे हो गए, तो दैट इज आवर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. हम नहीं चाहते फिर भी हमें मिल गया. सो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंडेक्स 103 पढ़ेंगे तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी आपको काउंट करना पड़ेगा. आपने 80% ही पे किया लेकिन आपको एक्विजिशन हो गया पूरा 100%, सो आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी तो 20% बनता है. तो उसका कैलकुलेशन के लिए इसने एक बात बोला है, उसमें आप देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. एक मिनट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सन लिमिटेड इनिशियली मेजर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन Pluto लिमिटेड फेयर वैल्यू. दे यूज द मार्केट वैल्यू ऑफ द Pluto लिमिटेड शेयर्स. Pluto लिमिटेड शेयर्स के मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट पे किए जो कि 1.4, तो 1.4 से इंटू कर देंगे 2 लाख को, दैट विल बी 280. तो पूरा हमें इतना मिला. ओके, सो दिस इज वॉट वी गॉट. पे इतना ही किया बट हमें मिला कितना, दैट इज वॉट वी विल स्टडी इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन. की टोटल हमें इतना मिल गया. हमने पे किया 1.3 मिलियन जो कि ऊपर लिखा हुआ था, हियर इट इज. तो इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर विल बी आवर गुडविल. मतलब हमने गुडविल इतना अक्वायर किया, सो गुडविल इक्वल टू इतना. मेरा बिल बज रहा है. ओके, तो ये हो गई कहानी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए. तो कंप्यूट द कैरिंग वैल्यू ऑफ द गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन द फॉलोइंग इंपेयरमेंट रिव्यू. बोला कि गुडविल कैलकुलेट करो, इंपेयरमेंट का रिव्यू भी बताओ. तो हमारे पास तीन CGU थे, कैरिंग वैल्यू था इनका इतना 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 और रिकवरेबल अमाउंट था, और हमने बोला था कि ABC को इस रेशियो में हमें गुडविल बांटना है. तो गुडविल बांटते हैं, पहले गुडविल हमारा निकल गया, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. गुडविल को ये है एलोकेशन, मतलब बिफोर एलोकेशन ये कैरिंग अमाउंट है. अब हमने गुडविल को एलोकेट कर दिया 104 2:2:2 के रेशियो में 260 को बांटेंगे तो ये आएगा. अब इसको ऐड कर देंगे तो ये आ गया आफ्टर एलोकेशन. ये हमारा आ गया कैरिंग अमाउंट और कैरिंग वैल्यू, ठीक है, और ये है अपना RA. अब इंपेयरमेंट लॉस निकल जाएगा. अगर RA ज़्यादा है तो नो इंपेयरमेंट लॉस, अगर RA कम है तो इंपेयरमेंट लॉस. तो इंपेयरमेंट लॉस निकल गया. क्लोजिंग गुडविल क्या होगा? 260 में से इतना अपना इंपेयर हो गया 56, तो क्लोजिंग गुडविल 204 हो गया. कैलकुलेशन ऑफ द ओवरऑल इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा? ऑन गुडविल हमने इतना किया, ऑन एसेट अक्वायर्ड इन द यूनिट सी 450 माइनस 400 वो हो गया 106. ओके,
तो टोटल इम्पेयरमेंट लॉस अपना ये कहाँ से आया आपको मैं बता दूँ। देखिए ये वाला एसेट, तीन एसेट है अपने, इसका था कैरिंग सी ए था 450 और आर ए था इतना, तो 50 तो यहीं पे इम्पेयर्ड हो गया। जब 50 इम्पेयर्ड हो गया तो यहाँ पे अपने क्या लिखे, इसका वैल्यू 400 लगे, मतलब 50 ऑलरेडी इम्पेयर्ड हो गया है। और उसके बाद अपने गुडविल एलोकेट की, तो इसकी वैल्यू 452 हो गई और फिर रिकवरेबल अमाउंट 400 है, तो मतलब गुडविल के बाद भी 52 इम्पेयर्ड हुआ, तो टोटल इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 56। अब मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर कर दूं, लिख देता हूँ, इजी हो जाएगा। ये है गुडविल का, ऑल तो लिखा हुआ, ये है एसेट का। अब ये कहाँ से आया, अपना कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ था, कैरिंग अमाउंट अपना 450 था और रिकवरेबल 450, तो यहाँ से सी ए माइनस आर ए करके एक सी जी यू का अपने इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कर लिए थे। अब इसके बाद हमारा आर ए ही तो सी ए था, तो 400, अब इसमें एलोकेट कर दिए गुडविल, तो 452 हो गया, तो हमारा रिकवरेबल वाला अमाउंट फिर से 400 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 450 प्लस 52, सो टोटल हो गया 502, ठीक है, 502 और 400, तो ये टोटल आ जाएगा 102, 102 प्लस 4 हो जाएगा 106। ओके, सो दिस इज इट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने की देरी है, करना कुछ नहीं इसमें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया होगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जब हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हमने 80% पे किया बट अक्वायर किया 100%, सो 2 लाख को मार्केट पे कैलकुलेट करके 1280 प्लस 280 माइनस 1300, 1300 कहाँ से आया, 1.3 बिलियन हमने पेमेंट किया है उसका, नेट पेमेंट अपने मेजर किए हैं कि उसका फेयर वैल्यू 1300, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो गुडविल होगा। गुडविल क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ओके, हमने गुडविल कैलकुलेट किया, इसने बोला था गुडविल कैलकुलेट करके एलोकेट करके इम्पेयरमेंट चेक करो, तो गुडविल हो गया। उसके बाद हमने ये तीन सी जी यू के सी ए और आर ए दिए हुए, तो सी ए इसमें आर ए सब में ज़्यादा है, तो ये दोनों में तो इम्पेयर्ड नहीं होगा, 450 से 400 हो गया, तो पहले तो ये इम्पेयर्ड हो गया यहीं पे, 450 से 400 हो गया, तो इन तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई, ये स्टार लगा हुआ है क्योंकि ये पहले से ही इम्पेयर्ड हो गया है। और फिर इसमें गुडविल एलोकेट कर दिया 2:2:1 के रेशियो में, 260 पे ये रेशियो लगाए, ठीक है, यहाँ पे अपने 450 लिख के भी कर सकते थे, 450 प्लस 52 करते तो भी यहाँ पे इम्पेयरमेंट आता 102, जब ये 102 आता प्लस 4 तो टोटल इम्पेयरमेंट 106 फिर भी आता, तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग गुडविल 260 में से 56 एलोकेट हो गया, तो अपना 204 आ गया। सो दिस इज इट गाइज फ्रॉम इंड एस 36 का इलस्ट्रेशंस, एंड नाउ वी विल डू डायरेक्टली टेस्ट योर नॉलेज, दैट इज आई बिलीव देर आर 10 क्वेश्चन इन इट एंड वी विल डू इट लेटर ऑन, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। बस एक बात याद रखिएगा, वॉट आप हैं तो हमारी वॉट हैसियत है, यू कैन रिपीट विथ मी, वॉट आई कैन एंड आई विल। 25 क्वेश्चन हुए हैं, थोड़ा तो लाइक बनता है, लाइक करके जाइए, चलिए बाय।